शेखचिल्ली, ओ शेखचिल्ली, वो घर पे नहीं है, बाहर गए। बाहर के विदेश चले गए, अंदर निकाल बाहर उसको। मैंने कहा ना वो बाहर गए हुए हैं। अच्छा एक बात याद रख, अगर वो आए तो उसको बोल देना मेरा कर्ज अदा कर दे। कितने पैसे हैं तुम्हारे? अरे पूरे का पूरे दिए। कितने है उसने? 98 रुपए सारे दिए, वो भी 6 महीने पहले। ठीक है कह दूंगी। और एक बात और कह दियो, अगर अब उसने मेरे पैसे नहीं दिए तो सीधा कोर्ट जाऊंगा, पावर कोर्ट। है कोर्ट जाओगे? हाँ ठीक है कह दूंगी। पावर कोर्ट जानती है? कौन सा कोर्ट? NDJ पावर कोर्ट। ठीक है बोल दूंगी। जा रही हूँ। ठीक है बोल दूंगी। चल भाई चल। कौन सी मारूं? इसे मार ले। मैं दूसरी में लगी। डंडों का डंडा। मैं दूसरी में लगी है। अरे लाओ मेरी है मेरी। मैं दे। ठीक है। रह जा। भाई एक भी नहीं आई। ये वाली मार। बतला दे वेट। मार दूंगा साली को। मैं तुम्हें देखने आई थी, यहाँ बच्चों में खेल रहे हो। वो खाना आया था, उसके पैसे देने या नहीं देने? कह गया पुलिस जाऊंगा, चौकी जाऊंगा, NDJ कोर्ट में जाऊंगा। NDJ कोर्ट में जाएगा? बाहर उसे ना, मैं उसके घर से आया हूँ अभी। उसकी बीवी ने बात ही नहीं करी। जब किसी का लेके दोगे नहीं तो तुमसे बात कौन करेगा? बाहर उसे ना, चल घर चल। एक बात सुनिए, मैं उससे पूछती, 6 महीने पहले दिए थे 98 रुपए, साला फिर से गाते आ गया। चल चल देखते हैं उसे। अजी आज क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहा हूँ यार, मैं ये सोच रहा हूँ शेख चिल्ली से पैसे कैसे निकाले जाएं। उसकी बेइज्जती करनी पड़ेगी जब पैसे देगा वो। अजी मैंने सुना है उसके घर में 1-2 दिन में मेहमान आने वाले हैं। तुझे कैसे पता? वो उस दिन बता रहा था कि मेरे घर में 1-2 दिन में मेहमान आने वाले हैं। भाई ये तो अच्छी बात है, अगर ऐसा हो गया तो मैं भी ताक में रहूंगा। उसके घर में जाके उसके मेहमानों के सामने बेइज्जती करूं तब पैसे देगा वो। ठीक कह रहे हो। खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख चिल्ली मेरे पैसे कब देगा भाई? पैसे तो दे दूंगा खान साहब, तुम्हारे दो को कमी है। अल्लाह मियां ने बहुत दे रखा, गाड़ी बंगला पैसा, तुम्हारे दो को कमी है। अबे तो क्या लुटाने के लिए हमारे पास दौलत? बताओ क्या खान साहब, मैं तो एक काम से आया था आपके पास। काम बता। मेरे द्वारा कुछ मेहमान से आने वाले हैं। अच्छा 500 रुपए दे दो, उनकी आओ भगत करनी है मुझे। कब आएंगे? अरे हाँ कल ही आने वाले। एक बात बता। हाँ। ये जो भीखसी मांगने चला आता है तू कमा के खा नहीं सकता? मैं खान साहब बेइज्जती कर रहे हो, मेरा काम धंधा नहीं लग रहा। काम मिलते तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। काम करेगा? हाँ हाँ काम है, काम दिलवा दो, मैं तो काम कर लूंगा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ है तुम्हारे साथ काम कर लूंगा। मेरे पास नहीं है, एक फैक्ट्री में काम है। फैक्ट्री में? हाँ जी। काहे की फैक्ट्री है? एक फैक्ट्री है जूते की। जूते की फैक्ट्री है? हाँ जी। तो क्या काम है उसमें? एक जूता खाओ और 100 रुपए पाओ। हाँ जी। एक जूता खाओ और 100 रुपए पाओ? हाँ जी। ये देखी जान। एक जूता, मैं तो 100-100 जूते। क्या सोचने लगे? खान साहब ये बात सही है, खान साहब तुम मेरे हाँ। जूते मान लो 200 रुपए दे दो। हम नहीं दे रहे, फैक्ट्री वाले देंगे। फैक्ट्री वाले देंगे? हाँ जी। मगर खान साहब हाँ। फैक्ट्री है कहाँ? यू 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 समझ गया। अच्छा वो हाँ। जहाँ जहाँ कमरपाल जी का होटल है उसके बराबर फैक्ट्री पीछे है। उसके पीछे पीछे जो फैक्ट्री हाँ। है। ठीक है मैं प्रधान से पूछ लूंगा उसका पता। जा निकल। खान साहब तुम तो बड़े अच्छे हो, तुमने मुझे काम बतला दिया, उसके लिए बार बार धन्यवाद। बिल्कुल बदतमीज है साला, भी बेइज्जती करके जा रहा। सुधरेगा नहीं, वो पानी बिखर गया दूसरा लाती हूँ। अरे थोड़ा सा ही दे दे, है तो सही आधा गिलास बहुत। हाँ थोड़ा सा है पी लो। बर्फ भी ने डाला पानी में। अजी लाइट गई हुई है कल से। चल रख दे। अबे काम तो बदला दिया, पैसे दिए नहीं, आमे टामे मार दिए मुझे। रुखसाना कहाँ गई है? दिखाई नहीं दे रही, कम मकद घूमने में रह गई है। रुखसाना रुखसाना अबे कहाँ चली गई? अबे दिखाई नहीं दे रही।
कहाँ निकल गई? बात सुनी नहीं है, कहाँ बढ़ रही है घरवाए में? पता नहीं क्या कर रही है। क्या हुआ शेख जी? बरुदेना बैठ 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 बरुदेना। हाँ शेख जी। अब तो हम जल्दी मालदार हो जाएंगे। मालदार हो जाएंगे? हाँ। वो कैसे? वो ऐसे, आज मैं खान साहब के घर गया था। अच्छा, खान साहब ने एक फैक्ट्री बतलाई है मुझे। वो कौन सी? एक फैक्ट्री बतलाई है। एक जूता खाओ और 100 रुपए पाओ। ये तो अच्छा काम है। हाँ रुक जा ना, तुझे बता अब तो मैं कम से कम 100-100 जूते रोज खा सकता हूँ। 100-100 जूते नहीं, और 1-1000 जूते रोज खाना। 1000 जूते रोज खाना, मैं मेरी आंख बाहर निकलवाएगी। ठीक है शेख जी, जितने तुम पे बर्दाश्त हो उतने खा लेना, जल्दी जाओ। बहुत जल्दी लगी, बता दिया था। मैं तो जा रही हूँ, मुझे काम करना। जा 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 जा, जा, जा। मैं भी जाने वाला नहीं हूँ बेटा, खोपड़ी थोड़ी आराम करा कर, ज्यादा जूते खाने ज्यादा कमा के लूंगा। ये टिक जाए। शेख जी तुम यहाँ पड़े हो, अब तक तो 20-30 जूते खा लेते। 20-30 जूते खा लेते, मैं तुझे वार होगी, काम बता दे, जल्दी मालदार के चक्कर में हो रही है। शेख जी जल्दी जाओ। मैं जा रहा हूँ, जल्दी जा जल्दी जा। अरे एक बार सुन ले, बाजार में खांडा का तेल लिए हो। किस लिए? मैं खोपड़ी में लगाने के लिए। 100 के भी 200 जूते खा सकता हूँ मैं। ठीक है शेख जी, मैं ले आऊंगी, आप जल्दी जाओ। जा रहा हूँ। भाई जान, कोई जूते की फैक्ट्री है यहाँ? हाँ जी। कौन सी है? ये सामने वाली। मुझे तो जूते खाने। कोई जूते खाने आया था? हाँ जी, खान साहब ने कहा था कि एक जूते के बदले 100 रुपए मिलते हैं। भाई जान क्या सोच रही हो? भाई आजकल मंदा चल रहा। मंदा चल रहा? अब 100 जूते के बदले 1 रुपए मिलते हैं। इतना मंदा, यानी कि सीजन पिट गया? हाँ। ओवे, बड़ा मंदा हो गया। कोई बात नहीं, कुछ तो कमा के लिए चलूं। बोलो भाई क्या करना है? भाई सोच रहा हूँ जब आता हो गई कुछ तो कमा के लिए चलूं, 100 जूते लगवाई जाऊं। वहाँ कोई नहीं मार रहा है, मैं मारूं? ओवे, तू भी मारे? फैक्ट्री है, ठीक है तो मार लो, यही मार लो। चल ठीक है फिर। ले ठीक है, बन गया भाई जान। हाय, एक दो तीन, मैं जोर से मार रहा। 5-6-7, मैं जोर से मार रहा है। ओवे ओवे ओवे, वाह मरवा देगा सरा, वाह मरवा देगा सरा, मैं मेरे पिछड़ने का राज करवा दिया। ओवे 40-45-46-47-48-50-60, मैं जोर से मार रहा कम मगर। अच्छा मैंने पिछोंडे पे लगवा लिए, अरे मेरी तो खोपड़ी का बाल बुड़वा देता साला। मैं बिल्कुल सूजे पड़े रुक जाना। अब कहा मर गई आगे शेख जी, कितने जूते खाए? सारे वाला जूतों की फिक्र है, मेरी नहीं है। तुम्हारी क्या फिक्र करते, ये तो हमारा काम है। तो तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है? है शेख जी, फिर भी कितने पैसे कमाए? मैं कमाए क्या, ये ले। है बस 1 रुपये और कहा है? और क्या है भाई, एक बात सुन, खान साहब ने मुझे काम तो बतलाया। अच्छा, फैक्ट्री से मुझे मिली। अच्छा, मैं पहुंच भी गया वहाँ। अच्छा,
लेकिन रुक जाना, क्या करूं, हमारी किस्मत ही खराब है, सीजन पिट रहा, बंदा चल रहा, बंदा चल रहा। हाँ, और अब तो 100 जूते लगवाओ और 1 रुपया पाओ। हाय अल्लाह, तुम्हें क्या जरूरत थी जूते खाने की? तुम्हें क्या जरूरत थी जूते खाने की? रोजाना मैंने सोची जब मैं आ ही गया अब उल्टा क्या जाऊं, कुछ तो कमा के ले चलूं। ठीक है शेख जी, मैं तेल लाती हूँ और तुम्हारा तेल लगा देती। तेल तेल ले आई तू? हाँ शेख जी। कितने का ले आई? 100 रुपए का। मैं 100 रुपए का तेल ले 1 रुपया भी नहीं कमाया, तुझे वापिस दिया मैंने ये तेल वेल। मैंने सोचा 2-3 महीने चल जाएगा। 2-3 महीने मुझे वापिस दिया यो। आज के नहीं चले। रुजाना तुझे बता, मैंने 50-60 जूते 100 रुपए खाए, फिर मैंने पिछोड़े में करवा लिए, पिछोड़ा सुझा दिया साले ने, मुझे बहुत दर्द है रुजाना, मेरा पिछोड़ा सुझा दिया रुजाना, मुझे नहीं करना ऐसा काम, तू तेल को दिए पैसे वापिस लिए हो। ठीक है शेख जी, बार अगले चल, मैंने दी कमाई का 1 रुपया। अबे खान के बच्चे, तूने कौन सी दुश्मनी निकाली है मेरे से? जिस दिन पल्ला पड़ गया बेटा बहुत काटूंगा। अरे अल्लाह मियां, अबे बहुत तगड़े तगड़े मारे, अबे मेरा तो पिछवाड़ा भी नहीं टिक रहा। खान मेरे से दुश्मनी कर ली, अच्छी नहीं करी तूने। आ गए? कहां गए थे? गया कहां था, उसने परेशान कर रखा शेख चिल्ली ने। शेख चिल्ली? वो हाँ। तो यहाँ आया था। है? यहाँ आया था? हाँ। कुछ दे गया क्या? दे गया? हाँ। वो तो और उधार पैसे लेने आया था। है? हाँ, कह रहा था कुछ मेहमान आने वाले हैं 1-2 दिन में। तूने दिए तो नहीं? नहीं, मैंने तो बोल दिया खान साहब ही जाने। है? मैं भी इस इंतजार में हूँ कि एक दिन मौका मिल जाए मुझे बेइज्जती करने का। जब तक करूँगा नहीं, पैसे दे गए। उसने पिछले पैसे भी नहीं दिए? नहीं दिए। बड़ा बेईमान है वो तो। आज तक नहीं दिए हराम खोर ने। चलो छोड़ो, मैं खाना बनाती हूँ। क्या बनाया? अभी तो कुछ भी नहीं बनाया, लाओ यही बना देती हूँ। हाँ ये बना दे। ठीक है, इसे खाएंगे हम। रुखसाना लिया है सामान? हाँ, मगर रुखसाना एक बात समझ नहीं आई, तेरा अब्बू हमारे घर आ क्यों रहा? हमारे अब्बू से पड़ोसी कहते हैं हमने तुम्हारा दामाद नहीं देखा, कितना सुंदर है। उबे, ये बात है। ठीक है ठीक है, ऐसे कर तू मेज सी लगा, मैं अंदर थोड़ा सा सजलू समर लू थोड़ा सा। ठीक है आए नहीं अभी, छुपता हूँ, ये ठीक है, उसके पीछे छुप जाता हूँ। तीन आए, कोई बात नहीं बेटे, शेख चिल्ली आ रहा हूं मैं। बैठिए बैठिए। यही आपकी बेटी उधर है? जी हाँ यही है। आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही। बेटी यही होगी, बेटी रुखसाना, रुखसाना बेटे। अब्बू आदाब। आदाब बेटे आदाब। ले बेटे पहले मिठाई का डिब्बा रखिए। ठीक है अब्बू। अब्बू घर में सब ठीक है? अम्मी ठीक है? हाँ बेटे अल्लाह का करम है, सब ठीक है। तू बता, तू भी ठीक है? मैं ठीक हूँ। ये शेख जी नहीं दिखाई दे रहे, ये मिलने आए थे उनसे। शेख जी, शेख जी, अब्बू बुला रहे हैं। अब्बू कौन सा कोतवाल है? आराम से सज बज के आऊंगा बाहर को। देख लो अब्बू शाजी दादी के आएंगे। चलो अच्छी बात है ये तो। शेख चिल्ली, ओए शेख चिल्ली, कहाँ है? खान साहब मेहमान आए हुए हैं, आप बाद में आना। ये तो मुझे भी पता है कि मेहमान आए हुए हैं, बाहर नहीं देख रहा था मैं। शेख चिल्ली को बुला।
कांसा बाप? हाँ मैं। बैठो बैठो, बैठने नहीं आया हूँ मैं, मुझे अपना पैसा चाहिए पैसा। पैसा कितनी बड़ी रकम है, ये देखना चाहिए आँख फूट रही तेरी बदतमीज। मेहमान आए हुए। अब बेटा मेहमान आया तो मेरे सर पे बैठेंगे, मुझे मेहमानों दिलवा दे, मैं तो इनसे ले लूंगा। बता हिसाब कर दूंगा, तू निकल जा। अभी अभी लेके जाऊंगा। ऐसे कर, वहाँ खड़ा हो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं एक मिनट के लिए नहीं जाऊँ, एक मिनट के लिए नहीं जाऊँ बाहर, अपने पैसे लेके जाऊंगा। तो पूरा हिसाब दे के भेजूंगा, पूरा हिसाब अभी अभी। ठीक है तो आ जा, मैं जा रहा हूँ। चलो आ जा रहा हूँ। बड़ा जाहिल इंसान है, हमारे सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बड़ा बदतमीज है। कितनी रोकड़ है इसकी जो इतना अकड़ रहा है? अभी हिसाब कर इसका, हम देंगे और फिर इसकी यही कुटाई करेंगे। कितने पैसे निकलेंगे इसके? 2-4 रुपए निकलेंगे इसके। हैं? हैं? हम देंगे। हाँ हाँ हम देंगे, मेहमान की बेइज्जती नहीं कराएंगे। बस अभी उसका हिसाब करके आता हूँ, आप अभी देख लेना। आजा भाई। हाँ तो खान साहब। हाँ। कितनी रकम है आपकी? तुम्हें तो खुद पता। तुम्हें पता नहीं है? कितने बोल? 1000 रुपए लिए थे आपने? 1000 रुपए लिए थे, याद है मेरे। और उसमें से सिर्फ 98 रुपए वापस किए। हाँ हाँ, तो फिर कितने बचे? 902 रुपए। 902 रुपए बचे ना? हाँ जी। हाँ तो इधर आओ। हाँ 902 रुपए बचे तुम्हारे, उधार कर लो इसको। 902 रुपए में? हाँ। 500 तो तुम्हारे भी दे दूंगा हाथों हाथ। कहाँ से दोगे? मैं मेहमान देख नहीं जाएंगे, कुछ रुखसाना को देंगे, कुछ मुझे देंगे। ये ठीक है, 500। 500 आ गए। हाँ। कितने बचे? 402 रुपए। बेटी काफी देर हो गई, अभी हिसाब हुआ नहीं क्या? हिसाब कर रहे होंगे अब्बू। 400 रुपए तो मैं सुबह दिन निकलते दे दूंगा। ठीक है ठीक है। तो तुम पे कितने पहुँच गए? मेरे पे 900 पहुँच गए। 900 पहुँच गए ना। आओ आ जाओ, बैठो खान साहब, बैठो। बैठूंगा नहीं, मैं बिल्कुल नाराज है, बैठोगे नहीं तो रकम भी मिल गई। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। कितने पैसे पहुंच गए तुम पे? 900 रुपए। कितने बचे? 2 रुपए। 2 रुपए दे खान साहब, निकल जाओ। लेके जाऊंगा मैं बाद में, ले लिया बिल्कुल ही बेइज्जती करेगा। बेइज्जती क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने पैसे मांग रहा हूँ। मैं मिल जाएंगे, चल चल। पैसे लेके जाऊंगा, मेहमानों की बेइज्जती करो, मेहमानों दिलवा दो। मैं जब मैंने 900 दे दिए तो 2 रुपए दूंगा कल को। अभी लेके जाऊंगा, हिसाब पूरा फाइनल। देख अब्बू इसका टाइम खराब आ रहा, पैसे दे इसे और यहीं लट बजा इस पे। ले ये ले, अरे इधर इधर इधर, 2 रुपए मार इसे और मार 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 निकले साले, जान से मार दूंगा। हमारी कौन सी गलती बताओ, साले का हिसाब भी कर दिया, अब 2 रुपए बेइज्जती कर रहा साला। अच्छा इलाज कर दिया। रुक जाना। हाँ सिंह जी। देखो तेरे अब्बू के सामने बतला रहा हूँ, ये था शेख चिल्ली का 2 रुपए का।